सब्सक्राइब कीजिए आदर्श किसान सेंटर चैनल को और पास आए बेल आइकन दबाएं, कृषि संबंधित वीडियो सबसे पहले पाएं। किसान दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी खबर लेकर आए हैं जो हैरान कर देने वाली है। एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली गई है जिसकी बदौलत एक साल में लगभग 6 बार गेहूं की फसल और चने और जौ की फसल ली जा सकती है। इस तकनीक पर काम किया जा चुका है। इस तकनीक को विकसित किया है जो आंतरिक एजेंसी है नासा ने। अंतरिक्ष में गेहूं उगाने की कोशिश की जा रही है। नासा के इस एक्सपेरिमेंट में यह आइडिया मिला है। इसके कारण लगभग 3 गुना तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को हम रेगुलर यूज करने पर एक बड़ी समस्या का हल निकल सकता है और तेजी से बढ़ेंगे पौधे। यूनिवर्सिटी ऑफ क्विंसलैंड यानी UQ ने सीनियर रिसर्च की फोलो हिकी ने कहा कि हमने सोचा कि क्यों ना हम नासा की इस तकनीक से यूज धरती पर ही पौधे लगाकर करें। इस तरह से हम पौधों की ब्रांडिंग प्रोग्राम को तेज करके बहुत जल्द ही धरती पर इसका प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग के कारण गेहूं की फसल, चने की फसल को लगभग एक साल में 6 बार कटिंग की जा सकती है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है किसान दोस्तों, इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा अगर ये खेती पर सफल हो जाती है तो, क्योंकि इसे 6 बार कटिंग करने से बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होने वाला है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर बनाए गए ग्लास हाउस में तेजी से ब्रांडिंग करने वाली इस तकनीक की बदौलत गेहूँ, सफ़ेद चना और जौ की फसल को एक साल में कम हम 6 बार खेती हो सकती है और 6 बार उसकी कटाई कर सकते हैं। वहीं अन्य कुछ प्लांट भी खेती के 4 बार की जा सकती है। ये ग्रास हाउस सामान्य से काफ़ी अलग है। इन्होंने कहा कि हमारे प्रयोग में यह बात सामने आई कि मौसम नियंत्रण में पौधों को लंबे समय तक रोशनी में रखने से जो ग्रोथ हुई है वह काफ़ी अच्छी रही है। कभी कभी तो सामान्य ग्लास हाउस में उगाए गए पौधे काफ़ी बेहतर रहते हैं। नासा ने अंतरिक्ष में गेहूं उगाने का जो प्रयोग किया था उसमें लगातार रोशनी रखी गई थी ताकि पौधे तेजी से बीज बनाने का काम शुरू कर दें। एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगर यह सफल रहता है प्रयोग तो लगभग वर्ष 2050 में मौजूदा हालत से लगभग 60-80% तक अधिक उत्पादन यानी अधिक अनाज पैदा करना होगा। इससे एक अच्छी प्रोडक्शन होगी और एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।